हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो साथियों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। काफ़ी बच्चे मुझे बीच में कमेंट करते हैं कि सर, टीए आर्मी का सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर आता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप जैसे कि फिजिकल की तैयारियां लोग लगातार कुछ अकेडियों में भी जाकर या कुछ अपने घर से ही, गांव से ही या जस्ट शहर से, जहां भी रहते हो वहां से एक एक साल दो दो साल लगातार तैयारियां करते रहते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, और वो जो टाइमिंग होता है दौड़ने का, वो 4:30 मिनट तक भी जाते हैं। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं सर, मेरा 4:30 टाइम है या 4:40 टाइम है। लेकिन दोस्तों, आप भले कितना भी कम टाइम लिया हो, अगर आप फिजिकल में 100 नंबर भी लेकर के आ जाते हैं, लेकिन आपके अगर रिटन टेस्ट में नंबर फिर कम रह जाते हैं, या उसमें आप फेल हो जाते हैं, या उसमें आपके 40 ही नंबर आए, 45 नंबर आए, तो फिर आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसमें भी अगर आपके जितने अच्छे नंबर हैं, उतने नंबर अगर आप रिटर्न टेस्ट में भी लेकर के आओगे, तो दोनों को मिलाकर के ही आप लोगों की मेरिट बनेगी, और उसी मेरिट के बेस के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो उससे पहले लेकिन काफ़ी बच्चे अब यही पूछेंगे, सर अभी भर्ती तो आ नहीं रही, क्या करें तैयारी करके। दोस्तों, भर्ती तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगी, लेकिन ये ऐसा तो होता नहीं है कि कल भर्ती आ जाए और आप तैयारी छोड़ कर बैठे हो पहले से ही, कि 2 दिन में तैयारी हो जाएगी या फिर 2 दिन में ही आप रिटर्न की एक तैयारी कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तैयारी करने के लिए साल साल दो दो साल लग जाते हैं। वैसे अभी गलती आपकी भी नहीं है, काफ़ी 3 साल से बच्चे लगातार तैयारियों में कर रहे हैं, और पिछले 3 साल से टीए आर्मी की कोई भर्ती अभी तक जीडी सोल्जर के लिए या ट्रेड्समैन के लिए या ड्राइवर के लिए नहीं आई है। जबकि आर्मी जो अपना टीए आर्मी की ऑफिसर्स की भर्ती हर साल हो रही है, 2021 में हुई थी सितंबर के महीने में ही, और 2022 में भी लगातार उनकी भर्तियाँ चल रही हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अभी बात करते हैं मुद्दे की। भर्ती आज नहीं कल जरूर आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता इस चीज़ के ना रहे। जैसे ही भर्ती आएगी तो हम उसको आप सटीक जानकारी भरा वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक आपसे, क्यों आप ही बहुत सारे लोग कमेंट करते हो, तो इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है आप लोगों के लिए। लेकिन जो भाई सारा ही सब कुछ जानता है, जो सब कुछ गुनी है, वो भले वीडियो को स्किप करके जा सकता है, और जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों बता दूं, उसमें आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके लिए 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपका मैथ का क्वेश्चन है, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो वो 30 नंबर के लिए आएगी। उसके बाद जीके जनरल नॉलेज होती है, वो उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए। उसके बाद आपका रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के लिए, और साइंस जनरल, जिसको जनरल साइंस भी बोलते हैं, वो आती है आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के लिए। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन हो गए 50, और आपके यानी कि जो नंबर हो गए वो 100। तो 100 नंबर का एक क्वेश्चन, एक ही पेपर आपका टी आर्मी में पूछा जाता है। अभी बात करेंगे निकी कि मैथ में क्या क्या आएगा आपका। तो दोस्तों, मैथ में एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, आपके अगर हिंदी में बात करें तो संख्या, दशमलव, औसत, वर्गमूल, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ठीक है, उसके बाद लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। अभी बात करेंगे वहीं पर दोस्तों जीके की, यानी जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज में दोस्तों बहुत सी सारी चीज़ें हैं, एब्रीवेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड हो गए, हिस्टोरी है, कौन हिस्टोरी में क्या है, ज्योमेट्री है, टर्मिनोलॉजी है, उसके बाद रिलीजियस अपना ये है, कम्युनिटीज हो गई, उसके बाद प्रिंसिपल है, लैंग्वेज, नेशनल, इंटरनेशनल डे हो गए, कौन से डे होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ संस्था होती हैं, उसके बाद कुछ बुकों के नाम होते हैं, उनके ऑथर कौन है, उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ प्लानेट, उसके बाद एनिमलों के नाम, करंट अफेयर में भी क्या चल रहा है, एंड हु इज ह्यूज, कौन क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे जनरल नॉलेज के अंदर पूछी जाएंगी। तो जनरल नॉलेज की भी आप बुक ला के लगातार उसको रट्टा मार सकते हो, पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया अभी जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का पूछा जाएगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में, फूड एंड न्यूट्रिशन क्या होते हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, डिजीज यानी बीमारी क्या होती है, उनके रोकने के उपाय क्या होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, विटामिन्स एंड देयर यूज, कुछ विटामिन्स और उनके यूज करने के क्या क्या, कौन सी विटामिन किस चीज़ में यूज आती है, वो चीज़ें पूछी जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे इसमें जनरल साइंस में पूछे जाएंगे। तो वहीं पर दोस्तों बात करेंगे रीजनिंग की, तो इसमें रीजनिंग भी आएगी। रीजनिंग में क्या होता है, ठीक है, इसमें का लॉजिकल सिक्वेंस जो वर्ड के उसमें आते हैं, उसके बाद अर्थमेटिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे, अल्फावेट की जो उसका जो सीरीज है वो आप लोगों से पूछी जाएगी, और भी स्वयं स्वयं सारी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये था सिलेबस, यही सिलेबस दोस्तों एक्चुअल में आर्मी में भी आता है, आर्मी का जीडी सोल्जर के लिए भी यही है, और जब टीए का सोल्जर होगा, जीडी सोल्जर, उसके लिए भी यही है, कोई फर्क नहीं है। अभी कुछ बुक्स के लिए भी पूछेंगे बच्चे के, सर हम कौन सी बुक्स से अपने हम तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसा है, बुक्स तकरीबन 19-20 का फर्क रहता है, तकरीबन एक जैसी ही बुकें,
लेकिन आप क्या करते हैं, बुक स्टोर पर जाते नहीं हैं। बुक स्टोर पर आप पहले वहां पर जाइए और वहां पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे अरिहंत है, ठीक है, रमेश है, एस के है, लूसेंट की बुक है, ये तो पब्लिकेशन है, ठीक है, यानी जो जिन लोग जिन उन्होंने उसको पब्लिश किया है। लेकिन आप हर चीज़ की अलग से एक एक बुक ले लीजिए, जैसे मान लो जनरल नॉलेज की है वो बुक ले लो आप, करंट अफेयर की एक बुक अलग से ले लो, उसके बाद आपके मैथ मैट्रिक के जितने क्वेश्चन है उसकी एक बुक ले लो, या तो इसकी जो कॉमन भी बुक आती है, यानी कि जो सारी जो जिनको बोलते हैं चार चार का सेट आता है वो, ये तो अलग अलग भी आप ले सकते हो बुकें। बुकों में आप जैसे आप वहाँ जाकर बुक स्टोर पर बुकें देखोगे तो आपको देखने से उसको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक में कौन से बढ़िया से अच्छे तरीके से हमको समझा रखा है। तो ये सारी बुक आप ले सकते हैं किसी भी बुक स्टोर से जा करके, इसमें कोई ज़्यादा सोचने विचारने वाली बात है नहीं दोस्तों। तकरीबन अंदर वाला जो सामान होता है, माल होता है, वो सबका एक जैसा ही इसके अंदर दिया जाता है, लेकिन वो क्या है अपना अपना अलग से, जैसे ऑथर है इनके जो नाम रख देते हैं या जो पब्लिकेशन है वो अपना अपना अलग से इसमें नाम रख देते हैं, तो इसमें ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपको बुक के बारे में, सिलेबस के बारे में, कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, और उसमें दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। रही बात इस वीडियो पर आप ढेर सारे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो जितने भी आप लोग कमेंट करेंगे उन सारे कमेंटों को लेकर के फिर एक वीडियो बनाऊंगा, और जो भी आप कमेंट करेंगे उनका आप लोगों का सही सही ठीक ठीक सटीक सटीक जानकारी आपको उनका उत्तर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अपने में शब्दों को विराम देता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।